Hello everyone, so we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics and finally today it's the turn of the last question, the question number 30. So the question says, the rate of a reaction quadruples. Quadruples ka matlab kya hota hai beta? Four times. When the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin, calculate the energy of activation of the reaction assuming that it does not change with temperature. क्या क्या given है आपको? Temperature दिया हुआ है और कह रहा है कि अगर rate of reaction क्या हो जाता है? Four times. तो आपको बताना है कि energy of activation कितना होगा. ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो formula कौन सा use करने वाले हैं. K होता है आपके पास A into e to the power minus EA by RT. ठीक है? जब हम ले लेते हैं लॉग की वैल्यूज और दो रेट कॉन्स्टेंट्स आपको पता है तो क्या आता है फॉर्मूला आपके पास, लॉग ऑफ के टू बाय के वन इक्वल्स टू ई ए, ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी, डिवाइड बाय 2.303 इंटू आर 1 बाय टी वन माइनस 1 बाय टी टू. ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या क्या गिवन है. T1 की वैल्यू आपको दी हुई है 293 केल्विन, T2 कितना है 313 केल्विन. एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है, R की वैल्यू हमें पता होती है कितनी 8.314. अब बचा K2 एंड K1, इसकी वैल्यू तो इन्होंने नहीं दी लेकिन क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है 4 टाइम्स. ठीक है, तो यहां से हम ऐसे देख सकते हैं इसको. देखिए अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की तो R2 by R1 आपको दिया हुआ है 4 और जो रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा, तो वही रेशियो होगा आपके पास रेट कॉन्स्टेंट का, तो ये आ जाएगा K2 by K1. ये बात समझ आई हमें अच्छे से? तो अब हम यहाँ पर K2 by K1 की जगह लिख लेंगे 4, तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 4. ठीक है, अब सारी वैल्यूज हमें पता चल गई हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे. ये K2 by K1 की वैल्यू है 4. So log 4 equals to EA divided by 2.303 into 8.314 1 by 293 minus 1 by 313. Log 4 की वैल्यू कितनी होती है? log 4 होता है आपके पास 0.6020 equals to EA divide by 2.303 into 8.314. इसका LCM लीजिए यहाँ पर, कितना आएगा 293 into 313. 313 minus 293 is 20. तो है आपके पास आ गया इतना. ठीक है, अब आपको निकालना है EA. तो EA equals to 0.6020 into 2.303 into 8.314 into 293 and this multiply by 313 divide by, कितने से डिवाइड कर देंगे इसको, divide by 20. कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास EA equals to 52.864 किलो जूल पर मोल. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी थी आपको, हमने कर दी. ठीक है, चलिए आज हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया है. इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए. बाय बाय.